जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ एक बहुत ही ख़ास दिन को लेकर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ प्रदोष व्रत को लेकर। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है, ये हम सभी जानते हैं। प्रदोष का व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रदोष का व्रत चंद्र मास के 13 दिन यानी कि त्रयोदशी पर रखा जाता है। इस महीने अगर मैं बात करूँ तो त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत सब मिलकर मनाएंगे। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है, आप इस तरह समझिए। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और बुधवार का प्रदोष, या मैं कहूँ बृहस्पतिवार का प्रदोष, शनि का प्रदोष, शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष। तो जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, जिस दिन पड़ता है ना, उसका महत्व अलग हो जाता है क्योंकि उसके लाभ भी आपको अलग अलग मिलते हैं। इसलिए इस व्रत को वार के अनुसार करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जिस वार को ये व्रत पड़ता है उसी के अनुसार कथा पढ़ने से फल भी आपको बहुत ही उत्तम प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा का सही समय हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार शाम का है, जब मंदिरों में प्रदोषम मंत्र का जाप किया जाता है। यदि प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है तो हम सब इस व्रत को शनि प्रदोष के नाम से जानते हैं और इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति को सभी प्रकार की पूजा पाठ व्रत करने के बाद भी सुख शांति और खुशी नहीं मिल पा रही है तो उस व्यक्ति को हर माह पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर जब दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको पूर्णता पूरा फल मिलता है। इस बार प्रदोष का व्रत 4 मार्च यानी कि 4 मार्च को प्रदोष है और बहुत ही खास है। खास क्यों है? जैसा कि मैंने कहा, इस दिन है शनि त्रयोदशी और रवि योग। तो ऐसे में कुछ खास उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दुश्मन जो अननेसेसरी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना दुश्मन अपने आप ही बढ़ जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके दुश्मन पैदा हो गए, चाहे भले ही आपने उनको कुछ कहा हो या ना कहा। तो इस बार का शनि प्रदोष व्रत और उस पर करने वाला खास उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने दुश्मनों से परेशान हैं। इसको करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से परेशानियां मिल रही हैं, आप व्रत रख रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है, आप इस व्रत को छोड़िए मत, 1 साल लगातार करिए जरूर। तो आइए अब उपाय बताती हूँ मैं आप लोगों को कि शनि प्रदोष पे आपको क्या खास उपाय करना है। आज आपको 8 किलो साबुत उड़द लेनी है। ये 8 किलो साबुत उड़द लेकर उसमें से आप सुबह के समय शिवजी के पास जाएंगे, शिवलिंग पर आप 8 मुट्ठी साबुत उड़द अलग से निकाल कर रख देंगे। शिव जी के ऊपर नहीं गिरानी है, प्लेट में या किसी थैली में अलग से निकाल कर रख देंगे 8 मुट्ठी उसी 8 किलो साबुत उड़द में से। फिर आपने घी का दीपक जलाना है और उसमें 8 दाने साबुत उड़द के डाल देने हैं। ये तो हो गया जो सुबह आपने करना है। वहीं पर बैठकर आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। जब आपका जाप पूरा हो जाएगा, जो 8 किलो साबुत उड़द है उसको आप ले जाकर अपने घर में रख दीजिए। शाम के समय शिवलिंग के पास आकर वो जो आपने 8 मुट्ठी साबुत उड़द रखी हुई थी, अगर आपको रखी हुई मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप घर से ही 1 मुट्ठी उड़द और ले आइएगा और उसमें से फिर से 8 दाने साबुत उड़द के इस घी के दीपक में डालकर शिवजी के समक्ष शाम के समय आपने दीपक फिर से जलाना है जैसे सुबह आपने जलाया है। और जो 1 मुट्ठी उड़द आप लेकर भी आए हैं, 8 दाने डाल दिए, बाकी का क्या करना है वो भी आपने शाम को शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। इसके बाद आपने रविवार वाले दिन
साबुत उड़द जो बाकी बची हुई है आपके पास, उसके चार हिस्से करने हैं। उन चारों हिस्सों को आपने गरीबों में बांट देना है, किसी एक जन को वो चारों हिस्से नहीं देने हैं। आपने ये किए हुए चार हिस्से अलग अलग चार लोगों को दे देना है। जो लेबर क्लास लोग हों, अगर आप उनको देंगे तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये एक छोटा सा उपाय था, शनि प्रदोष व्रत पर आप कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा कर लीजिए, और ये जो मैंने आपको उपाय बताया है बस ये उपाय कर लीजिए, तो भी पूर्णता आपको शनि प्रदोष का फल ज़रूर मिलेगा। बहुत छोटा सा उपाय है, इससे आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर रहेंगे, अपने आप ही आप खुद बदलाव भी देखेंगे कि जो लोग आपसे बात नहीं करते थे ना, एक बार आप इस उपाय को कर लीजिएगा, वो अपने आप खुद आगे से आगे आपसे बात करने भी आएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा, करके बताइएगा ज़रूर कितने लोगों को लाभ मिला है। जय माता दी।